क्या दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने आखिरी सांस ली जिसके बाद भी वो कुछ कहना चाहते थे धर्मपाजी से। हम आपको बता दें कि ऐसी बात खुद धर्मपाजी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है, उन्होंने लिखा है कुछ। आपको बता दें कि एक फ़ोटो जो आप देख रहे हैं जिसमें धर्मपाजी जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उन्होंने दिलीप साहब को अपने दोनों हाथों से उनके चेहरे पर हाथ रखा हुआ है और एक ऐसा इमोशनल लम्हा है धर्मपाजी के लिए भी कि उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। हम आपको बताते हैं कि इसी फोटो के साथ धर्मपाजी जिन्होंने कुछ कहा है, उन्होंने लिखा है कि जब सायरा ने जब कहा, यानी सायरा बानो जो दिलीप कुमार साहब की पत्नी है, उन्होंने कहा, धर्म देखो साहब ने पलके झपकी हैं, दोस्तों जान निकल गई मेरी, मालिक मेरे प्यारे भाई को जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये लिखा है। और आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा, दोस्तों मुझे दिखावा नहीं आता लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाता, आपने समझ के कह जाता हूँ, अपना समझ के मैं कह जाता हूँ। सो आपको बता दें कि उन्होंने इस तरह की बात को रिवील किया है और एक इमोशनल पल है जिसमें अपने जज्बातों को उन्होंने रिवील किया है धर्मेंद्र पाजी ने। और खुद जब वो फोटो में उनके साथ में दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं और उनकी आंखें नम हैं, कितना दुख है उनके मन में, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सायरा ने जब कहा, सायरा बानो ने जब कहा कि देखो धर्म साहब ने पलके झपकाई हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी जान निकल गई, भगवान मेरे दोस्त को जन्नत नसीब करें। आपको बता दें कि सायरा बानो जो कि बहुत गम में हैं और दिलीप कुमार साहब के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गई हैं, उनका रो रो के बुरा हाल था। और आपको बता दें कि सायरा बानो जिन्होंने ये भी कहा था कि भगवान ने उनसे उनकी खुशी को छीन लिया है। तो आपको बता दें कि ये जो पल है, ये जो लम्हा था धर्मपाजी का दिलीप कुमार साहब के साथ, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है, अपनी भावना को व्यक्त किया है, क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कितना याद कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब को, हमें ज़रूर बताएं।